दुनिया में हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी IDDR मनाया जाता है। इस दिन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समुदायों और सरकारों के प्रयासों को याद किया जाता है। 2015 में आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद अभियान के तहत इस मुहिम की शुरुआत हुई। यह 7 लक्ष्यों पर केंद्रित है। इस वर्ष का विषय जोखिम वाली अवसंरचनाओं यानी आधारभूत ढांचे को आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने और बुनियादी सेवाओं में बाधा से जुड़े लक्ष्य पर केंद्रित है। इस साल अभी तक मोजाम्बिक और भारत प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए हैं। इनसे हुए नुकसान ने ऐसी अवसंरचना के निर्माण की ज़रूरत को रेखांकित किया जो आपदाओं को सहन करने में समर्थ हो सके। ओडिशा में आए चक्रवात में ही अकेले बिजली क्षेत्र को लगभग $1 अरब का नुकसान हुआ। इससे यही सबक मिला कि आपदा रोधी और संरचना में निवेश का लंबे समय तक कैसे फायदा हो सकता है। विश्व बैंक की सहायता वाले चक्रवात जोखिम शमन कार्यक्रम के तहत तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में बिजली वितरण नेटवर्क के भूमिगत केबल बिछाने में निवेश किया गया है। इससे इन क्षेत्रों में आपदा के बाद बिजली की आपूर्ति कुछ दिनों के भीतर ही बहाल की जा सकती है, जबकि अभी ऐसे इलाकों में कई हफ्ते लग जाते हैं। इससे बिजली की आपूर्ति में बाधा से रोजी रोटी पर पड़ने वाले असर को भी कम से कम किया जा सकता है। भारत और दुनिया भर में जन उपयोगी सेवाओं को इस तरह के अनुभवों को करीब से देखने और अपनी अवसंरचना में उन्हें शामिल करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। भविष्य में अवसंरचना क्षेत्र में भारी निवेश होगा। इन अवसंरचनाओं को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा और जोखिम भी झेलने होंगे। इनमें कुछ आपदाएं अप्रत्याशित हो सकती हैं। इस दौरान प्राकृतिक जोखिम के रूप भी बदल सकते हैं। ऐसे में अवसंरचना प्रणाली के डिजाइन निर्माण परिचालन और रखरखाव को जोखिम झेलने लायक बनाना होगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि आपदाओं की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र में 2/3 नुकसान अवसंरचना से जुड़ा होता है। इसका सबसे अधिक असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ता है और उसे आपदा से उबरने में अच्छा खासा समय लग जाता है। अवसंरचना प्रणाली का टिकाऊ होना न केवल आपदा प्रबंधन बल्कि विकास से जुड़ी चिंता का भी मुद्दा है। घरेलू और वैश्विक बाजारों से संपर्क और पहुंच तथा बिजली पानी और सक्षम संचार प्रणाली आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करते हैं।